नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। सैन डॉक्टर गुरमीत राम रिम सिंह जिंसा वडेरा सच्चा सौदा के बारे में लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, लगातार पब्लिक सर्वे कर रहे हैं। हमारे साथ हैं गुरमीत कौर इंसा जी, जो डेरा सच्चा सौदा में बचपन से आ रही हैं। आज ये किस आस्था, किस विश्वास से आई हैं डेरा सच्चा सौदा में, इनसे सीधी बातचीत करते हैं। गुरमीत जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आप बचपन से आ रही हैं मैम डेरा सच्चा सौदा में? बिल्कुल बचपन से आ रही हैं। मैम आज कहाँ से आए? हाँ जी, कहाँ से आए हो आप? बीकानेर से। मैम इतनी दूर से आज भी आप डेरा सच्चा सौदा में आई हैं? हाँ जी। क्यों मैम? हमें आस्था है, श्रद्धा है, क्योंकि गुरु जी ने हमें बहुत कुछ सिखाया और बहुत कुछ हमारे लिए किया है, लेकिन समाज नहीं समझ पाया। कई बुराई है, बुराई कहते हैं, बुराई जीत रही है, लेकिन कोई नहीं, अच्छाई की भी जीत होगी एक दिन। क्या गुरु जी ने किया, क्या है आप लोगों के लिए, समाज हमारे लिए बहुत किया, बहुत कुछ किया है। हम जैसे इंसान, मतलब जो इंसान आजकल आज के दौर में बुराई पे जुड़े हुए हैं ज़्यादातर, लेकिन गुरु जी ने हमें इंसान बनाया, इंसान का महत्व बताया है, कैसे जीना चाहिए इंसान को। क्या मैम, एक तरफ आप बता रहे हैं गुरु जी ने इंसानियत सिखाई है, दूसरी तरफ उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं? वो सब झूठ है, क्योंकि ये सब उन लोगों का है जो, उन लोगों का मतलब आज कारोबार बंद हो गया है, उन लोगों ने ये आरोप लगाए। आप बचपन से आ रही हो, आप कैसा महसूस करते हो आश्रम में? हम बहुत मतलब शुद्ध और स्वच्छ और क्या कहते हैं, सेफ है। कभी भी आपने अलग तरीके का महसूस किया हो जैसा? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ। जैसे गुरु जी हमें समझाते हैं भाई, बड़ों को माता पिता के समान, बराबर को बहन भाई के समान, और छोटों को बेटा बेटी के समान। जो मीडिया में प्रचार किया जा रहा था वो सब ऐसे झूठ है। गुरु जी का स्वभाव कैसा है? गुरु जी का स्वभाव बहुत अच्छा है, क्योंकि वो हर किसी को, हर जीव जंतु सब चीज़ को प्यार करते हैं वो, तो और जो उनके खिलाफ हैं उनको भी वो प्यार से समझाते हैं, पर नहीं समझते। समाज को क्या जरूरत है गुरु जी की? गुरु जी की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आज जब थे गुरु जी 4 साल या 3 साल पहले की बात है, तो सब लोग जैसे नाम लेते थे घरों में, मतलब ज़्यादातर तो जेंट्स लोग ही है जो नशा करते हैं, तो लेडीज हर चाहती थी कि कोई सब नाम लेके घर में खुशहाल जिए, लेकिन जब से गुरु जी गए हैं तो काफ़ी लोगों का नशा और ये करने लग गए हैं वापस, जो जुड़े थे कई लोग वो भी करने लग गए हैं, लेकिन अब वो भी चाहती हैं औरतें कि गुरु जी वापस आए। क्या अपील करना चाहोगे आप सरकार से? हम तो सरकार से यही अपील करना चाहेंगे कि जो अच्छा है हमारे देश के लिए, अच्छा हो रहा था, उसको वापस बुलाना चाहिए जी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये है असली सच डेरा सच्चा सौदा विषय डॉक्टर गुरमीत राम रिम सिंह जी इंसा का, जो हमारे देश की लेडीज हैं वो लगातार मांग कर रही हैं कि हमें संत डॉक्टर गुरमीत राम रिम सिंह जिंसा की, क्योंकि उन्होंने काफ़ी करोड़ों लोगों का नशा छुड़वाया है। आज जो उनके घर नरक बने हुए हैं, नशा, नशे से जो लोग गरकते जा रहे हैं, नशा छुड़वाने के लिए, समाज को सुधारने के लिए संत डॉक्टर गुरमीत राम रिम सिंह जिंसा की समाज को सख्त ज़रूरत है। लगातार उनके लिए मांग हो रही है, आज भी लोग उनके ऊपर वैसी ही आस्था रख रहे हैं, आज भी ये लोग बीकानेर से सिरसा आश्रम में पहुंचे हैं, लगातार पब्लिक आ रही है। आप लोग भी अपनी राय डालते रहिए, देखते रहिए द फैक्ट आई, और सच का साथ दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।